हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ा है उसी तरीके से हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि अब हम लोग घर बैठे ऑनलाइन ही काफी सारा काम कर लिया करते हैं। लेकिन इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए फ्रॉडर्स यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, काफी ज्यादा अपडेट हो गए हैं। आए दिन हमारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इवन मेरे साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहते हैं, यानी कि अकाउंट हैक होते रहता है या फिर कुछ भी होते रहता है, जिससे कि हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह ऐसे रीजन बताऊंगा जो जाने अनजाने में आप या फिर मैं, आप लोग या फिर हम लोग ये कहिए कर लिया करते हैं इस छह गलतियों को, जिस वजह से हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और बाद में बहुत पछताते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। दोस्त, आज इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो आप हमेशा अवेयर रहोगे, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होगा, आपका मेहनत का पैसा जो होगा वो कभी बर्बाद नहीं होगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही नॉलेजेबल भी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और जहां तक हो सके शेयर भी जरूर कर देना, ताकि और भी लोग इस टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी लेकर के अवेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसे न जाने कई सारे मैसेजिंग ऐप हैं, अगर आप लोग उन सारे मैसेजिंग ऐप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या फिर किसी भी प्रकार के अकाउंट पर हैकर्स किन किन तरीकों से अटैक करते हैं, किन किन तरीकों से आपका अकाउंट हैक करते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं और उनसे बचने का उपाय जानना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार SGG एडुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको काफी सारे रीजन यानी कि छह रीजन बताऊंगा। वैसे रीजन तो काफी सारे हैं आपको ठगने के, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, लेकिन जो मेन मेन रीजन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आप शायद इन फ्यूचर कभी गलतियां ऐसा नहीं करोगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो सकती है, इसलिए दोस्त वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, बाय लिंक या फिर आपका ये थ्रू लिंक, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा या फिर शायद आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। होता क्या है कि आपके ही कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आपको कॉल किया जाता है, आपको फोन किया जाता है कि भाई मैं आपका दोस्त हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मतलब कि कुछ इस तरीके से आपके साथ वार्तालाप किया जाता है, जैसा लगे कि आप उसके सही में दोस्त हो या फिर वो आपका वाकई में दोस्त था और आपके पास उसका नंबर फिलहाल में करंट में नहीं है, ठीक है, और आपको ऐसा लगे कि भाई ये मेरा दोस्त ही है, सही में मेरा दोस्त मुझे कॉल किया है और वो इस तरीके से, इस ढंग से आपके साथ पेश आएगा, लेकिन नहीं भाई ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि भाई मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे पैसे का अर्जेंट हो गया, यानी कि जरूरत पड़ गई है, मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है, जैसे कि कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, मतलब कि कुछ भी, जिसको जितना ठगने का जरूरत है वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे इतना चाहिए, तो आपको वो किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेगा। उसके बाद आप सोचो कि भाई मेरा दोस्त ही है, मैं सेंड कर देता हूँ, कभी ना कभी तो दे ही देगा, ठीक है, तो आप उनसे उनका गूगल पे नंबर या फिर गूगल अकाउंट को छोड़ करके फोन पे अकाउंट नंबर, यूनो एसबीआई अकाउंट नंबर, मतलब कि किसी प्रकार का अकाउंट नंबर आप उनसे मांगोगे तो वो आपको बोलेंगे नहीं, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझे पैसे सेंड कर देना। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो जागरूक लोग हो गए हैं, मतलब कि जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो गई है, वो लोग तो अब नहीं फंसते हैं इस जाल में, लेकिन जो बिल्कुल अनजान है इन सारे तरीकों से, वो लोग बोलते सही में भाई आप भेज दो, मैं एक लिंक पर क्लिक करूंगा और जैसे ही लिंक पर क्लिक करूंगा आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब कि वो बंदा आपको समझाएगा कि उतना सारा प्रोसेस क्या करोगे यार, मुझे तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर मुझे पैसे चाहिए, आप लिंक पर क्लिक करो और पैसा आ जाएगा, तो वो आपको लिंक सेंड करेंगे और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आप फ्रॉड नहीं होंगे, यानी कि आपका पैसा लूटेगा नहीं, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही फिलअप करके सबमिट करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस खाली हो जाएगा। बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है बाय लिंक के थ्रू, ठीक है, किसी के 50,000 रुपये गायब हो गए, किसी के 60,000, किसी के 80,000, किसी के पास 1 लाख बैंक में थे 1 लाख रुपये गायब हो गए, मतलब कि उनकी मेहनत का कमाई, जो साल भर में कमाए थे रुपये, वो 1 मिनट में गायब हो गए बाय लिंक। तो आप कभी भी अनजान या फिर यू कहिए अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। उसके बाद बात करते हैं
सेकेंड फ्रॉड की, यानी कि फ्रॉड नंबर सेकेंड, कि दूसरे तरीकों से कैसे आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। हम लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, योनो SBI और भी ना जाने कई सारे बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन में बग आ जाते हैं, इशू आ जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, पैसे ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर नहीं हो पाता, फेल हो जाता, या फिर कुछ और बातें हो जाती है, तो मुझे उस सिचुएशन में कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ता है, उसके कस्टमर केयर से जिस ऐप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भूल कर दिया करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मान लो मैं फोन पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और फोन पे से मैंने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर किया, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, फेल होता जा रहा है बार बार, तो अब मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल पर जाते हैं और डायरेक्टली सर्च करते हैं फोन पे कस्टमर केयर नंबर, इस तरीके से सर्च कर लेते हैं, तो उनके सामने फर्स्ट लिंक जो आती है वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, या फिर उनको पेज ही आ जाता है एक नंबर लिखा हुआ, उस नंबर को नोट कर लेते हैं और कॉल कर देते हैं। दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हो, कई बार तो आप सही तरीके से बात कर लेते हो, यानी कि आप फोन पे के अकाउंट होल्डर से, या फिर यू कहिए फोन पे के कस्टमर केयर से बात कर लेते हो, लेकिन कई बार होता क्या है, हैकर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो उसी तरीके से पेज को बनाते हैं जिस तरीके से फोन पे का वेबसाइट होता है, ठीक है, फोन पे का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसी तरीके से हूबहू कॉपी करके हैकर्स अपना वेबसाइट, अपना पेज बना लेते हैं और गूगल पर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जब सर्च करते हो तो उनका सर्च में आने लगता है उनका लिंक, उनका वेबसाइट, और आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो नंबर तो दिख जाता है, और नंबर आप जब उस नंबर पर कॉल करोगे तो वो हैकर्स कॉल को रिसीव करते हैं, ना कि फोन के कस्टमर टीम। ओके, तो जब आप वहां पर कॉल करते हो तो वो आपका फोन रिसीव करते हैं और आप उनको बोलते हो कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट फेल होता जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, आप अपना प्रॉब्लम उनके साथ रखते हो, तो वो आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मांग लेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि आपका पेमेंट होल्ड पर हो गया है, आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा इस वजह से, मतलब कि कोई रीजन आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो रीजन बताएंगे तो आप उनसे जरूर पूछोगे कि भाई सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो आपको कुछ ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे जो शायद मुझे नहीं पता, और कोई भी बैंकिंग सेक्टर के टीम मेंबर आपको उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो वो जहां तक चाहेगा वो आपको कोई लिंक भेज देगा, या फिर किसी भी प्रकार का ओटीपी बोलेगा आपको कि ओटीपी गया होगा, आप मुझे ओटीपी भेज दीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा तरीका ढूंढ करके आपको यूनिक तरीका बताएगा कि आप ऐसा ऐसा कीजिए और आप पेमेंट ट्रांसफर कर पाओगे। तो आपको पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो आप किसी ना किसी तरीके से उस प्रोसेस को जरूर फॉलो करोगे, और जैसे ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका बैलेंस खाली हो जाएगा एक सेकेंड में। जी हाँ, जैसे ही आप ईमेल आईडी या फिर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी किसी के भी साथ शेयर करोगे, तो भाई जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दोगे ना, तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने अपना पर्सनल चीज शेयर कर दिया है, वो भी आपसे अगर मांगा जाएगा कि आप अपने जो अकाउंट है, जो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर को मुझे बताइए, ठीक है, उसके बाद आपके साथ ईमेल आईडी भेजा जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा ईमेल आईडी मुझे बताइए, तो आप ईमेल आईडी उनको बताओगे, तो भाई आपका डिटेल शेयर हो चुका है और आप जाल में फंस चुके हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपना पर्सनल चीजें शेयर ना करें, नॉर्मल चीजें शेयर कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन के साथ जो अनजान है, अननोन है, उसके साथ आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर किसी प्रकार का अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें, वरना आपका जो पैसा है, मेहनत का कमाया हुआ, वो एक सेकंड में गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका। तो आप जब भी कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करें, किसी भी एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही उनसे कॉन्टैक्ट करें। जैसे कि मान लो अगर आप SBI के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप SBI.onlinesbi.com पर सर्च करें और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और वहां पर आप कॉन्टैक्ट करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं अब फ्रॉड नंबर थर्ड। तो दोस्त तीसरा जो फ्रॉड हुआ है, यानी कि तीसरे तरीके का जो फ्रॉड है, वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम लोग फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी बैंकिंग ऐप से हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, या फिर जाने अनजाने में हमारा पैसा कट जाता है हमारे बैंक अकाउंट से, लेकिन मुझे पता नहीं चलता, और बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा जो पैसा है वो डेबिट हो गया है मेरे अकाउंट से, अब क्या करें। तो उस सिचुएशन में हम लोग फिर से वही प्रॉब्लम, यानी कि वही प्रोसेस करते हैं कि अपने कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, अपने गूगल में जाकर के, कोई ब्राउजर में जाकर के, या फिर कहीं पर भी कॉन्टैक्ट करके चाहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा पैसा वापस आ जाए। तो
तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग फिर से वही भूल बस मिस्टेक कर दिया करते हैं कि गूगल पर जाकर के या फिर कोई भी अनसेफ अनसिक्योर ब्राउजर में जाकर के वहां पर गूगल पे का या फिर फोन पे का या फिर योनो SBI का या फिर किसी भी प्रकार के ऐप का कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं और उनसे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा पेमेंट कट हो गया है, मेरा पेमेंट रिफंड कितने दिनों में होगा या फिर कितना देर में आएगा, प्लीज आप मुझे बताएं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर, गूगल को तो छोड़ो यार, बहुत सारे लोग फेसबुक के पेज पर चले जाते हैं, यानी कि जो उनका फेसबुक का पेज होता है, जैसे कि आप ट्विटर पर जाकर के यूट्यूब इंडिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप फोन पे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्विटर पर जाकर के या फिर गूगल पे से भी। तो बहुत सारे लोग वहां पर फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं और वहां पर अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि सर मेरा पेमेंट कट गया है मेरे अकाउंट से जाने अनजाने में, लेकिन मेरा पेमेंट रिफंड कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, क्या करूं, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, सारा कुछ वहां पर अपना प्रॉब्लम रखते हैं और साथ ही अपना मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी भी वहां पर डाल देते हैं। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे इंटरनेट का बोलबाला हुआ है, यानी कि इंटरनेट का यूज बढ़ा है, उसी तरीके से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है और उसी तरीके से हैकर्स का भी जो ट्रिक है ना, तरीका है, वो बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, तो जब आप अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर या फिर कहीं पर भी, तो वो हैकर्स हमेशा उस वेबसाइट को चेक करते रहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का वेबसाइट होता है उसको चेक करते रहते हैं कि कौन कौन किस तरह का कमेंट कर रहा है, किस तरह का मैसेज कर रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम रख रहा है, वो चेक करते रहते हैं। और कोई ऐसा बंदा उनको दिखा जो अपना प्रॉब्लम शेयर किए हुए है, अपना डिटेल्स भी शेयर किए हुए है, भले ही आप सिर्फ फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी ही शेयर क्यों ना किए हुए हो, आप वहां पर अगर शेयर कर दिए हो तो वो जो हैकर्स होंगे आपकी उसी ईमेल आईडी पर मैसेज करेंगे एकदम हूबहू अब उस ऑफिशियल वेबसाइट के जैसा या फिर कस्टमर केयर की जैसा, या फिर आपके उसी नंबर पर कॉल करेंगे कि मैं इसका एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, ठीक है, जिस भी ऐप के थ्रू आपने प्रॉब्लम रखी है, तो मैं इसका एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, कस्टमर केयर से बात कर रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए। तो वो थोड़ा बहुत आपको अपना प्रॉब्लम, तो क्योंकि उनको पता है पहले से कि आपने क्या प्रॉब्लम शेयर किया है, तो वो थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि जी हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से हुई है, आप क्या पैसा रिफंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप फोन पे से पैसे किसी को देते हैं या फिर आपको पैसा कट जाता है और पैसा जब कट जाता है आप उसे रिफंड पाना चाहते हैं, तो कम से कम आप एक सप्ताह का वेट कीजिए, जी हाँ कम से कम 7 दिनों का वेट कीजिए, उसके बाद अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 7 दिनों के अंदर, जैसे मान लो अभी आपका पैसा कट हुआ और 1 घंटे के बाद आपने कॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई आप बुरी तरह से फंस जाओगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो आपको जैसे ही आप कॉल करेंगे कस्टमर केयर को, तो कोई दूसरा थर्ड हैकर थर्ड पर्सन उठा लेगा, रिसीव कर लेगा और आपको बताएगा कि जी हाँ आपका पैसा कटा है, इतने रुपए का है, जो कि उसको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, या आपके नंबर के थ्रू या फिर आपके ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है, या फिर आपने ट्विटर पर फेसबुक पर शेयर कर रखा है कि मेरा इतना रुपया कट हो गया है, तो वो आपको बताएंगे। तो वो आपको ये भी बोलेंगे कि सर इस इंफॉर्मेशन को आप फिलअप कर दीजिए इस लिंक पर क्लिक करके जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इतने दिनों में आपके पास लिंक चला जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करना और जो इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा आप फिलअप कर देना, तो इतने घंटों के अंदर अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पैसा कट हो गया आपका, तो भाई आप करोगे ना उस प्रोसेस को फॉलो, तो जरूर करोगे क्योंकि आपका पैसा वापस लाना है। ठीक है, तो आप प्रोसेस फॉलो करोगे, उसके बाद होगा क्या कि जितने पैसे कट हो गए वो तो कट हो ही गए, वो तो कट हो ही गए यार, वो तो कभी लौट के नहीं आने वाले हैं, लेकिन दूसरा जो पैसा था आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ वो भी कट जाएगा, जी हाँ वो भी पैसा कट जाएगा और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको ये प्रोसेस भी नहीं करना है, इसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि आप अगर आपका पैसा कट हो गया और आप रिफंड पाना चाहते हो कि बहुत दिन हो गए हैं नहीं हो रहा है रिफंड, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उनके कस्टमर केयर से ईमेल आईडी के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉल करके बात कीजिए, अपना प्रॉब्लम बताइए और आप सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, क्योंकि जो भी बैंकिंग सेक्टर के टीम मेंबर होंगे ना, वो आपसे कभी भी आपका OTP नहीं मांगेंगे, CVV नंबर नहीं मांगेंगे, मोबाइल नंबर नहीं मांगेंगे या फिर किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, मतलब कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे कभी भी नहीं मांगेंगे। जी हाँ अगर ऐसा कोई मांग रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ठगने वाला है, फ्रॉड करने वाला हैकर्स है, क्योंकि बैंक अकाउंट वाले कभी ऐसा नहीं मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर यानी कि फ्रॉड नंबर 4। देखिए चौथा जो फ्रॉड है ना, वो काफी सारे यूट्यूब वीडियो को देख करके हो रहा है। होता क्या है कि जिनको किसी को भी किसी भी पर्सन को अपना अकाउंट ओपन करवाना है घर बैठे SBI में या फिर किसी भी प्रकार के अपने अकाउंट में मतलब बैंक में, तो वो YouTube पर सर्च करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट कैसे खोलें या फिर SBI में अकाउंट कैसे खोलें, तो ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाती है, तो उसमें जो प्रोसेस बताया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कोई यूट्यूबर्स आपसे पैसा ठग लेता है, नहीं भाई,
100 में से कोई एक यूट्यूबर होगा जो आपसे पैसा ठग लेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया कि सर मुझे या फिर भाई मुझे अकाउंट ओपन करवाना है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मतलब ये आपने पर्सनल डिटेल शेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आपने जो जिस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है उसमें सिर्फ आप ही कमेंट किए हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कमेंट कर रखे होंगे, तरह तरह के कमेंट किए होंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई हैकर्स आपके उस कमेंट को रीड कर लिया, कोई कमेंट को रीड कर लिया, या फिर उस पर नजर गड़ाए बैठा है कि कौन किस टाइप का कमेंट कर रहा है, और आपको जब आप शेयर कर दोगे अपना वहां पर प्रॉब्लम, तो वो आपको कॉल करेंगे उस नंबर पर और बोलेंगे भाई मैं ये यूट्यूबर बोल रहा हूँ, मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा 6 मिनट में, कुछ मिनट में आप मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, जो जो मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में ओपन करके आपके पास पासबुक नंबर, आपका एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर सब कुछ भेज दूंगा। तो आपको अकाउंट ओपन करवाना है, चूंकि आपको प्रोसेस पता नहीं है, और वो कुछ ही मिनटों में खोल देंगे आपके अकाउंट को। तो भाई आप अपना पर्सनल डिटेल शेयर करोगे, जैसे ही शेयर करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, मेरा मतलब आप लूट जाओगे। तो आप ये भी गलती मत करना। देखिए आप उस पर्सन पर तब तक विश्वास मत कीजिए जब तक आपको फुल फेथ ना हो कि वाकई में ये रियल पर्सन है या फिर हैकर्स है, ये वाकई में हमारा काम कर सकता है या मुझे ठग लेगा। आप अननोन पर्सन के साथ कभी भी कुछ भी साझा ना करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, कुछ ही महीने पहले SBI ने अपने कस्टमर्स को नोटिफिकेशन सेंड करना स्टार्ट किया था, जिसमें SBI सिक्योरिटी को लेकर के बताया गया था कि आप किस किस प्रकार की गलतियां ना करें जिससे कि आप सेफ और सिक्योर रहोगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ टिप्स बताए गए हैं, ठीक है। मैं एक एक करके रीड करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में हेडिंग, आपकी सुरक्षा के लिए एक पत्र, यानी कि SBI नहीं चाहता है कि आप किसी भी फ्रॉड में फंसो, ठीक है, या फिर किसी के हाथों लूट जाओ, ऐसा नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र लिखा है सुरक्षा के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय ग्राहक, ठीक है। और यहाँ पर मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो यह है कि यह आवश्यक है कि आप मानक नियमों का पालन करें और आप किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत एवं बैंकिंग विवरण साझा ना करें। दोस्त बारिश हो रही है जिस वजह से आपको इस तरह का झंकार आवाज सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन दोस्त माफ करना, आप मेरी बातों पर गौर करना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया और पहले भी बता दिया था कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना पर्सनल जानकारी शेयर ना करें या फिर बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, किसी भी अनौपचारिक लिंक पर क्लिक ना करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ना करें। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है, जो EMIDBT प्रधानमंत्री केयर फंड या किसी अन्य केयर फंड के लिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड या बैंक विवरण मांगता है तो उनको ना दे। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई OTP भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी आपसे OTP मांग सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने ये भी लिखा है, यहाँ पर नोटिस कीजिए, फर्जी योजनाओं से सावधान रहे, जो SMS, ईमेल, उसके बाद पत्र, फोन कॉल या विज्ञापन के माध्यम से लॉटरी, नकद पुरस्कार या नौकरी के अवसर प्रदान करने का दावा करते हैं। कई बार आप लोगों को व्हाट्सएप पर यह भी मैसेज आएगा कि भाई आप ये लॉटरी जीत चुके हो, उसके लिए आपको ये करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 800 रुपये, 8000 रुपये कुछ भी लगेंगे, तो आप ये प्रोसेस कीजिए, आपको 2 लाख का इनाम मिलेगा, 5 लाख का इनाम मिलेगा, 10 लाख की गाड़ी आपको मिलेगी, ये दावा करेंगे आपको, और आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, बस आपसे आपके अकाउंट से 8000 रुपये कटेंगे और आपको 8 लाख रुपये आ जाएंगे। तो आप अगर प्रोसेस करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो भाई 8000 की जगह पर आपके बैंक अकाउंट में जितने भी रुपए होंगे, 8 लाख हो या 10 लाख हो, सारे खाली हो जाएंगे, आपको घंटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने लिखा है, समय समय पर बैंक से संबंधित अपना पासवर्ड बदलते रहे, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है, कृपया ध्यान रखें कि SBI के प्रतिनिधि कभी भी अपने ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, कुछ सुरक्षा पासवर्ड या OTP के लिए ना तो ईमेल या फिर SMS भेजते हैं और ना ही कॉल करते हैं। मैंने आपको पहले ही इस प्रोसेस को बता दिया कि बैंकिंग सेक्टर के जो अधिकारी हैं वो आपसे कभी भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप किसी के साथ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर लिख डाला है, SBI से संबंधित संपर्क नंबर और अन्य विवरण के लिए केवल SBI की वेबसाइट का ही उपयोग करें, इस संबंध में इंटरनेट खोज परिणामों पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा ना करें। दोस्त मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया कि अगर आप कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर जाकर या फिर अनसिक्योर ब्राउजर में जाकर के सर्च करते हो तो आप लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही किसी भी कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने पॉइंट लिखा है, धोखेबाजों के बारे में स्थानीय पुलिस के अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करें और अपने निकटतम SBI शाखा को इसकी सूचना दें, ठीक है। मान लीजिए आपके साथ कभी कोई फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो आप तुरंत के तुरंत पुलिस स्टेशन में जाए और FIR दर्ज करें और उसका फोटोकॉपी लेकर के अपने SBI ब्रांच में जाए और उनको अपना प्रॉब्लम साझा करें,
ठीक है, और उनको बताया कि मैंने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर दिया है पुलिस स्टेशन में, तो आपके साथ कार्रवाई यानी कि उनके साथ कार्रवाई की जाएगी और आपका हल निकाला जाएगा बहुत जल्द। ठीक है दोस्त, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करना मैं भूल गया, मान लो आपका पेमेंट कट हो जाता है ना, या फिर आपका रिफंड नहीं आता है, पेमेंट कट हो जाता है किसी भी रीजन बस, तो आप उसी एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन सपोर्ट का या फिर कुछ ऑप्शन एक होता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा फोन पे में, तो वहां पर से ही आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके सपोर्ट टीम से और उनसे अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत सारे पॉइंट के बारे में आप लोगों ने जान गया होगा कि किन किन तरीकों से हैकर जो है हम लोग को अपने जाल में फंसाते हैं और हमारे बैंक बैलेंस को खाली करते हैं। अब आप लोग शायद इन फ्यूचर इन सारे चक्करों में नहीं फंसेंगे और आपको लूटोगे नहीं, शायद समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज बस इतना ही।